जय हिंद साथियों। सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप लोगों का जो है पटकथा लेखन का एग्ज़ाम आप लोगों का आज यहाँ पे लिया गया है LNMU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो इस सब्जेक्ट को जो भी बच्चे लिए हुए आप लोगों का फर्स्ट पाले में एग्ज़ाम आज लिया गया है और आप लोगों का 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आज का दिनांक आप लोग यहाँ पर देख लो, 10वीं महीना है, 16 तारीख 2024 है। आज ये आपका एग्ज़ाम हुआ, इसको मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ सारा क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देखिए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही है, आप लोग यहाँ पर बनाइएगा, बताइए कमेंट में। ठीक है, कहते हैं पटकथा में पट का अर्थ होता है क्या चीज़। आपका पट का अर्थ मैंने आप लोगों को आज सुबह में एक क्लास दिया था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों का पट का अर्थ क्या होता है, पर्दा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटकथा में जो आपका होता है कथा, पट कथा में कथा का अर्थ क्या होता है। तो कथा का अर्थ होता है आप लोग का कहानी, यहाँ पर होता है एक क्लास भी मैंने आपको सुबह में क्वेश्चन बताया हुआ था। पटकथा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों का क्या होता है, निर्देशन, संवाद, कहानी या फिर कैमरा। पटकथा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का होता है वो कहानी होता है। अगर कहानी नहीं रहेगा तो ये सभी चीज़ों का हमारे पास कोई आवश्यकताएँ नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, जो पर्दों पर दिखाने के लिए लिखी जाए उसे क्या कहते हैं। ऐसे चीज़ जो पर्दों पर लिखाने के लिए लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पटकथा कहते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो बच्चे पटकथा लिए होंगे, और अपने वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति का खुद से संवाद होना क्या कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अगर खुद से बात करता है, संवाद करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्वागत कथन कहलाता है। ठीक है, प्रोटागोनिस्ट कौन होता है। प्रोटागोनिस्ट कहने का मतलब आप लोगों का ये होता है कि जैसे कि कोई भी मूवी है, ठीक है, कोई भी आपका कथा है, कोई भी आपका कहानी है, उसका जो मुख्य नायक नायिका होता है वही आप लोग का क्या कहलाता है, प्रोटागोनिस्ट कहलाता है यहाँ से। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न यहाँ से देखिए, पटकथा के तत्व आप लोगों का क्या क्या होता है। ये आपको मैंने सुबह में क्लास कराया था, पटकथा का तत्व आप लोगों का जो कहानी होता है, दृश्य भी होता है, संवाद भी होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से देखिए निकल के आता है, कहानी का मुख्य विचार या संदेश क्या कहलाता है आप लोगों का। कहानी का जो मुख्य विचार या संदेश होता है वही आप लोगों का थीम कहलाता है। ठीक है, जिस पर आप लोग की पूरी कहानी घूमती है। कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका, पटकथा में डायलॉग का क्या महत्व होता है। पटकथा में डायलॉग जो होता है वो किसका महत्व क्या होता है, तो पात्रों के बीच जो संवाद होता है उसी चीज़ों को यहाँ पे क्या करती है, वो तय करती है। ठीक है, तो पात्रों के बीच संवाद स्थापित करना ही आप लोग क्या करते हैं, डायलॉग रहता है बीच में, ताकि पात्र सब के बीच में एक संवाद, एक विचार स्थापित हो सके। क्लाइमैक्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्लाइमैक्स जो है शुरुआत का पद होता है, लेकिन नहीं, क्लाइमैक्स जो है कि कहानी का वैसा उच्चतम बिंदु होता है जहाँ पर आप लोगों का पूरा कहानी जो है मेन पार्ट में रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कहानी का उच्चतम बिंदु जहाँ संघर्ष का क्या होता है, समाधान होता है, वो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पटकथा में सेटिंग का अर्थ क्या होता है। पटकथा में जो सेटिंग होता है उसका अर्थ आप लोगों का होता है कहानी का समय और स्थान। ठीक है, कहानी का समय और स्थान यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन निकल गया था, सिक्वेंस का क्या अर्थ है। सिक्वेंस का मतलब आप लोगों का क्या होता है, तो सिक्वेंस मतलब होता है आप लोगों का कि कई दृश्यों को एक समूह जो एक साथ एक सब प्लॉट बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं शॉर्ट फिल्म की औसत लंबाई क्या होती है। शॉर्ट फिल्म की जो औसत लंबाई होती है ये हमारा 1 से लेकर के आप लोगों का 5 पृष्ठ के बीच अवधि को क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट फिल्म कहते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं वेब सीरीज पटकथा की खासियत क्या होती है। वेब सीरीज जो होती है आप लोगों का, जो आप लोग देखते हैं अपने मोबाइल पर, वेब सीरीज की एक खासियत होती है, उसकी खासियत यह होती है कि वह आपका एक विस्तृत चरित्र विकास होता है। ठीक है, वो लंबे समय तक चलता है। विज्ञापन पटकथा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विज्ञापन जैसे आपका प्रचार होता है किसी चीज़ के बारे में, उसका उद्देश्य ये होता है कि हम लोगों का जो है उत्पाद की विशेषताएँ बताएँ और लोगों को बताएँ जानकारी, ताकि लोग हमारे सामानों को खरीद सके। पटकथा में फीड इन का अर्थ क्या होता है आप लोगों का देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है फीड इन एक होता है, आपका कहता है फीड आउट होता है। ठीक है, तो फीड इन करने का मतलब होता है दृश्यों का धीरे धीरे प्रारंभ होना आपका क्या कहलाता है, फीड इन कहलाता है, और आप लोगों का जो है दृश्यों का धीरे धीरे बंद होना आपका फेड आउट कहलाता है यहाँ से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अंत होना। ठीक है, फेड आउट का अर्थ। अगला क्वेश्चन याद देखिए, पटकथा में एक्ट, आप लोग का जो एक्ट होता है वो क्या होता है, सो समझिए। पटकथा में अगर एक्ट कहा जाए तो एक खंड आप लोगों का क्या होता है, पटकथा का एक एक्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, कहते हैं पटकथा लेखन के अंतर्गत शोध क्यों महत्वपूर्ण है। पटकथा लेखन के अंतर्गत आप लोग का शोध इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पात्रों और सेटिंग की विशेषनीयता बढ़ाने के लिए आप लोगों का यहाँ पर शोध करना बहुत ज़रूरी होता है। 20वां प्रश्न देखिए, कहते हैं चरित्र विकास में संघर्ष क्यों महत्वपूर्ण है। आप लोग का चरित्र को विकास करने के लिए
संघर्ष जो है आपका चरित्र क्या करता है, मजबूत बनाता है। जब जितना आप संघर्ष कीजिएगा उतना चरित्र आपका बेहतर बनेगा। कहते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की पटकथा में दृश्य का प्रारंभ कैसे किया जाता है। पटकथा में दृश्य का प्रारंभ आप लोगों का किस प्रकार से किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्थान का वर्णन करते हुए वहाँ से किया जाता है, बहुत जगह पे आप लोगों का, ठीक है। संगीत आप लोगों का नहीं होगा। आगे यहाँ से देखिए, दृश्य में तनाव कैसे पैदा किया जाता है। दृश्य में अगर आपको तनाव अगर पैदा करना है तो कैसे पैदा किया जाता है, तो समस्या प्रस्तुत करके। जब समस्या वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें अपने तनाव लोगों को हो जाता है वहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते दृश्य के अंत में क्या होना आवश्यक है। दृश्य के अंत में आप लोगों का जो है उद्देश्य जो उसका रहता है उस नाटक का, वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो मज़ा आता है ना। कहते हैं 3 अंकिया पटकथा, ये बच्चे जो संगीत लगाए पक्का भोजपुरी मूवी देखता होगा, लास्ट में भोजपुरी मूवी में गीत आ जाता है, बस वो मूवी ख़त्म हो गया। लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य पहले आता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से, कहते हैं कि 3 अंकिया पटकथा में संरचना में पहला अंक क्या दर्शाता है आप लोग का। पहला अंक आप लोग का जो होता है वो आप लोग का परिचय दर्शाता है, दूसरा अंक उसका संघर्ष दर्शाता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा अंक देखिए आपको यहाँ पे दिखा गया है, दूसरा अंक क्या हो जाएगा, संघर्ष यहाँ से दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का तीसरा अंक आप लोग का जो होता है वो आप लोगों का जो क्या कहलाता है यहाँ से, तो देखिए तीसरा अंक आप लोगों का समाधान दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहते हैं 5 अंकिया संरचना में 5वां अंक क्या दर्शाता है। 5 अंकिया संरचना में आप लोगों का 5वां अंक जो है संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से आप लोगों का ये दर्शाता है कि पूरे सीज़न में फैली हुई चीज़ आप लोगों का क्या निकल के आती है, ठीक है। यानी कि आप लोगों का निष्कर्ष ये दिखाता है यहाँ से, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीजन आर्क आप लोगों का क्या होता है। सीजन आर्क आप लोगों का जो है एक प्रकार का उस सीजन में फैली हुई कथानक विकास की रेखा के बारे में बताता है, वही आप लोगों का क्या कहलाता है, सीजन आर्क कहलाता है यहाँ से, ठीक है। कहते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कि लघु फिल्म पटकथा में कथानक का क्या महत्व है। लघु फिल्म पटकथा में आप लोगों का कथानक का महत्व ये होता है कि वो संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से कहानी को क्या कहते हैं, कहने के लिए होते हैं वहाँ पे, ठीक है। कहते हैं वृत्त चित्र पटकथा में वॉइस ओवर का क्या महत्व है। देखिए वृत्त चित्र पटकथा में आप लोगों का वॉइस ओवर का मतलब ये होता है कि महत्वपूर्ण जानकारी एवं उससे संबंधित चीज़ों को प्रदान करना, ये आप लोग क्या कहलाता है, वृत्त चित्र पटकथा कहलाता है, ठीक है। कहते हैं पटकथा में फ्लैश बैक का उपयोग होता है। फ्लैश बैक यानी फ्लैशबैक मतलब करने का मतलब ये होता है आप लोगों का पूर्व की घटनाओं को दिखाना, क्या कहलाता है आप लोगों का, फ्लैशबैक कहलाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, पटकथा का बुनियादी ढांचा कहाँ से मिलता है आप लोगों का। तो पटकथा का जो बुनियादी ढांचा है वो आधुनिक कथाओं से हम लोगों को मिलता है। पटकथा का आधार आप लोगों का क्या होता है, पटकथा का जो आधार होता है आप लोगों का कहानी होता है। मैं आपका सुबह में ही क्लास कराया था, उसमें से क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। किसी भी पटकथा की शुरुआत किस पर निर्भर करती है। किसी भी पटकथा की शुरुआत आप लोगों का स्वाभाविक सी बात है प्रारंभ पर निर्भर करेगा। अभिनेता तो अलग चीज़ है लेकिन प्रारंभ किस प्रकार से होता है उस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि बहुत सारी मूवी में अभिनेता शुरू में नहीं आता है, तो उस डिपेंड करता प्रारंभ पे। कहते रचना के आधार पर पटकथा कितने प्रकार की, रचना के आधार पर आप लोग का पटकथा 2 प्रकार के यहाँ से होते हैं, ठीक है। कहते श्याम मनोहर जोशी ने द्वंद्व को कितने रूप में वर्गीकृत किया है। तो इन्होंने जो है यहाँ से आप लोगों को बहुत जगह पर अलग देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हमारी बात मानो तो इनको 6 भागों में इन्होंने बांटा था, ठीक है। फीचर फिल्म पटकथा की लंबाई कितनी होती है आप लोगों का। जो फीचर फिल्म होता है वो आप लोग का 1.5 से 2 घंटे का होता है, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं ऐसी कौन सी पटकथा है जो दर्शकों को हंसने के लिए प्रेरित करता है। हंसने के लिए आप लोग का प्रेरित करता है कॉमेडी पटकथा, स्वाभाविक सी बात है। 39वां क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इनमें से टेलीविज़न विज्ञापन का कौन सा तत्व नहीं है। टेलीविज़न विज्ञापन में आप लोग का मूर्ति का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखिए यहाँ से, सत्यजीत राय ने किस कहानी का रचना सदगति टेलीविज़न पर बनाई थी। तो ये उन्होंने जो है अपना क्वेश्चन जो है ये बनाए थे प्रेमचंद्र पे बनाए थे, ठीक है। फीचर फिल्म पटकथा में औसतन कितने पृष्ठ होते हैं। इसमें अगर देखा जाए आप लोगों का 90 से 120 पृष्ठ आप लोगों का माना जाता है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीट का अर्थ क्या होता है आप लोगों का, देखिए बीट जो होता है आप लोगों का पटकथा का एक पृष्ठ होता है। पटकथा का क्या होता है, एक पृष्ठ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। पटकथा लेखन में शोध करते समय किस प्रकार की सामग्री से बचना चाहिए। देखिए जब पटकथा में आप शोध कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को अप्रमाणित ऑनलाइन स्रोत से बचनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत वहाँ से कर देगा। पटकथा में संघर्ष क्यों आवश्यक है। पटकथा में संघर्ष आप लोगों का जो कथानक को रोचक करने के लिए आवश्यक आप लोगों का होता है। पटकथा लेखन में आप लोगों का जो है शोध किस प्रकार की फिल्मों के लिए आवश्यक होता है। तो पटकथा में आप लोगों का जो है
ये आप लोगों का दो ऑप्शन यहाँ पे ज्ञान फिल्मों के लिए भी और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्री के लिए भी होगा। आप लोगों ने जो भी टिक किया आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एपिसोडिक थीम क्या होता है आप लोगों का, तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रत्येक एपिसोड का मुख्य क्या होता है, संदेश आप लोगों का क्या होता है, एपिसोडिक थीम होता है, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ उसका मुख्य संदेश होता है, वही आप लोगों का क्या कहलाता है, एपिसोडिक थीम कहलाता है। नाटक में जान डालने के लिए क्या जरूरी होता है, नाटक में जान डालने के लिए आपसे बीच में मुहावरा कहानियों में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डालना जरूरी होता है। कहते हैं 48वें क्वेश्चन, पटकथा में चरित्र की विशिष्टता का कारण क्या है, पटकथा में आप लोग का जो चरित्रता होता है, ठीक है, 48वें के यहाँ पे उसका खासियत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, टीवी धारावाहिक के लिए क्या जरूरी है, टीवी धारावाहिक के लिए आप लोग का ड्रामाबाजी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, ड्रामाबाजी नहीं आएगा तो फिर आप टीवी धारावाहिक में नहीं जा पाओगे। वॉइस ओवर की भाषा में प्रायः कैसे वाक्य नहीं होते हैं, वॉइस ओवर में आप लोग का सरल सामान्य वाक्य होता है, मिश्र वाक्य नहीं होता है। कतई किसी भी पटकथा लिखने के लिए कहानी का चुनाव कैसे होता है, किसी भी कहानी को लिखने के लिए उसमें आप लोग का प्रासंगिक रूप से जो है वहाँ पर चुनाव किया जाता है। विषय वस्तु के आधार पर कहानियों के कितने प्रकार होते हैं, विषय वस्तु के आधार पर आप लोग का देखा जाए तो 7 प्रकार यहाँ पर माने जाते हैं। आगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रसंग के होने के कारण आपस में जुड़े दृश्यों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, एक ही प्रसंग में अगर सभी चीज़ आप लोगों का होता है तो आप लोगों का क्या कहलाता है, सिक्वेंस कहलाता है, ठीक है, नोकिया स्क्रीन प्ले कहलाता है। बिंब घटना स्थल कहाँ से मिल सकते हैं, बिंब घटना स्थल आप लोगों का जो है कहाँ से मिल सकता है, तो ये आप लोगों का जो है प्लॉट से, यानी कि आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर बी से मिल सकता है। पटकथा भी किसी नाटक की तरह कथानक को किस्में तोड़कर पेश करती है, पटकथा जो है किसी भी नाटक की तरह जो है कथानक को दृश्यों में तोड़ तोड़ करके पेश करती है। पटकथा के विषय में ऐसा होना आवश्यक है कि दर्शक उसमें रुचि लेते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसमें क्या बनाए वो सारे बच्चे कमेंट में बताइएगा। फिल्म के लिए शूटिंग की जानी है उसके लिए क्या तय किया जाना चाहिए बताइए, उसके लिए आप लोग का जगह तय किया जाना चाहिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जगह के अंतर्गत आप लोग का वातावरण आता है, ठीक है, तो ये मत समझना अक्सर वहाँ पे वातावरण हम लोगों ने बनाया तो मेरा गलत हो गया, आप लोगों को पहले जगह टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 में निकल के आता है, एक सफल फिल्म के लिए आप लोगों का क्या होता है, वास्तविक घटना जिसी घटना होना चाहिए तभी आपका फिल्म हिट हो पाता है। उसके बाद 59वां क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहा जाता है कि कथानक अंशों की कथा पटकथा लिखने के लिए लोकेशन और टाइम के अनुसार क्या बनाए जाते हैं, तो उनके अनुसार वो दृश्य बनाते हैं ताकि हमारा हिट हो सके। और 60वां क्वेश्चन देखिए यहाँ से, कहते हैं आर्क टाइप का अर्थ क्या होता है आप लोगों का, आर्क टाइप का अर्थ आप लोगों का जो है होता है कि विशिष्ट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 60 का सी हो जाएगा। 61वां देखिए, पटकथा के संवाद प्रधान दृश्यों में छोटे और कैसे संवाद रखने चाहिए, देखिए आप लोगों का जो आगे एग्ज़ाम आप लोगों का VSC का और SSC का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमारा सेकेंड चैनल पढ़ाई कुंड आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर आप लोगों को जो न्यू पैटर्न आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का हुआ है उसका मैं सारा क्लास करवा दूंगा और करवाना तैयारी भी शुरू कर दिया उस पर, ठीक है, तो उसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सर्च कीजिएगा आप लोग पढ़ाई कुंड यूट्यूब पे, तो आप लोग हमारा सेकेंड चैनल आ जाएगा, ठीक है। 61वां प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का यहाँ से देखा जाए तो आप लोग का सिनेमाई यहाँ से हो जाएगा, ईयर कटिंग में आप लोग का जो है इंटर कटिंग में आप लोग का सिनेमाई भाषा की महत्वपूर्ण देन होती है। पटकथा को फिल्माने के लिए उसमें किसका रूप देना पड़ता है, तो आपको देखिए पटकथा को फिल्माने के लिए उसको जो है मुख्य रूप से शूटिंग उसमें आप लोगों का जो है स्क्रिप्ट देना पड़ता है, तभी आपका जो है फिल्माने के रूप में जा सकता है। वेब सीरीज आप लोगों का क्या होता है, एक आपका श्रृंखला रही धारावाहिक होता है, ठीक है, श्रृंखला वाइज आप लोग का आते रहेगा। वेब सीरीज का प्रसारण टेलीविज़न के बजाय कहाँ पर होता है, तो आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे आप लोग देखो मिनी टीवी आप लोग का जो है अमेजन मिनी टीवी हो गया, हॉट स्टार हो गया, सभी ऐप पर होता है। उसके बाद देखिए वेब सीरीज़ की पटकथा लिखते समय किस पर विचार करना महत्वपूर्ण होता है, तो उसकी जो कथ्य और शैली होती है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। 67 देखिए यहाँ से, कहते हैं वेब सीरीज़ की में कैसी संरचना होती है, वे आप लोग का एपिसोडिक संरचना होता है। यहाँ से विज्ञापनों से लोगों को किसके अवसर बढ़ जाते हैं, विज्ञापन जो आप देखिएगा उससे आप लोगों का जो चुनाव करने का अवसर बढ़ जाता है, यानी कि हमको 5-10 ऑप्शन अब आ गया, हम अपना जो बेहतर हमको लगेगा वो हम लोग ले सकते हैं, तो हमको विज्ञापन से फ़ायदा होता है। आज के वैज्ञानिक व औद्योगिक युग में विज्ञापन को क्या समझा जाने लगा है, आज के इस युग में आप लोगों का जो विज्ञान इसमें जो है एक प्रकार से आवश्यक चीज़ समझा जाने लगा है। विज्ञापन की मूल भावना क्या होती है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, विज्ञापन मूल भावना क्या होती है बताइए, और कमेंट बताइए आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नई क्लास में नई तैयारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय सभी को।